नमस्कार, कैसा बीत रहा है आपका त्यौहार? ये वही त्यौहार है जो अमूमन हर 5 वर्ष के बाद हमारे और आपके सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस त्यौहार का नाम है चुनावी त्यौहार। चुनावी त्यौहार में तरह तरह की रस्में होती हैं। इन्हीं रस्मों में से एक रस्म है, वो है टिकट वितरण की। लेकिन टिकट वितरण एक ऐसी रस्म है, जैसे ही आती है वैसे ही भागा दौड़ी, दल बदल, भागम भाग, ये सब शब्द जो होते हैं ये मीडिया के हेडलाइन बनती हैं, अखबारों में पहले पन्ने पर जगह पाती है। ये सब एक बार फिर इस त्यौहार के बीच में अब ये टिकट वितरण का जो रस्म है ये चल रही है। अब रस्म चल रही है तो दल बदल भी नजर आ रहा है। कोई खुद के घर में झांक रहा है तो कोई पड़ोस के घर में झांक रहा है, और पड़ोसी इधर वाले घर में झांक रहा है। ताका झांकी सब कर रहे हैं, कोई इधर चला कोई उधर चला, और किसी को पता नहीं कि जाने कहां मैं किधर चला। लेकिन हां, एक बड़ी दिलचस्प चीज है, बड़ा खुलकर बात करेंगे आज। एक बड़ी दिलचस्प चीज है, जो दल बदल करते हैं ना, उनकी स्क्रिप्ट सेम रहती है। 5 साल पहले की देख लो, उससे 5 साल पहले की देख लो, उससे 5 साल पहले की देख लो, और बीच बाच में भी कभी कदार देख लो। स्क्रिप्ट यह है कि भैया इस वाले घर में जिससे मैं अभी अभी निकला हूं इस्तीफा देकर, इस वाले घर में ना तो महिलाओं के लिए कुछ हो रहा था, ना शोषितों के लिए कुछ हो रहा था, ना वंचितों के लिए कुछ हो रहा था, ना पिछड़ों के लिए कुछ हो रहा था, ना ओबीसी के लिए कुछ हो रहा था, ना दलित के लिए कुछ हो रहा था, ना बेरोजगार के लिए कुछ हो रहा था, ना मंझले व्यापारियों के लिए कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा। और ये स्क्रिप्ट चिपका के धीरे से इधर चिपक जाते हैं। ये हर साल देखते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं तो कहता हूं इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नया नहीं है। लेकिन चर्चा दरअसल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विचारधारा का क्या मसला है फिर? ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो विचारधारा का झंडा लगाकर आपके सामने डंका पीट रही हैं, और इसी विचारधारा के अंदर बसे ये नेता, क्या भाजपा के अंदर जो नेता है उनके अंदर भाजपा है? ये सवाल पूछिए। कांग्रेस के अंदर जो नेता है क्या उनके अंदर कांग्रेस है? ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और जो नेता दल बदल कर रहे हैं वो नेता किस तरह से आपके हक की बात कर, ये भी सोचिए। क्या कभी आपने ये देखा कि कोई नेता जो मंत्री के पद पर फलानी पार्टी में तैनात हो, और वो नेता ये कहकर मंत्री पद को ठुकरा दे कि मेरे वर्ग के लोग, मेरी जात के लोग या मेरे लोगों के लिए यह पार्टी काम नहीं कर रही, मैं इसको छोड़ देता हूं और दूसरी पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पद ग्रहण कर ले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं देखा होगा। अगर कोई मंत्री अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, भतीजे के लिए टिकट मांगे और पार्टी मना कर दे, तो वह ये नहीं कहता कि मेरे बेटे सलमान या मेरे बेटे शाहरुख या मेरे बेटे रमेश या मेरे बेटे सुरेश को टिकट नहीं मिली इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। वो कहता है कि शोषित, वंचित, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, महिला, बेरोजगार, मंझले व्यापारी, इनकी वजह से पार्टी छोड़ रहा हूं। लेकिन पता हकीकत मुझे भी है, पता हकीकत आपको भी है कि दरअसल बात क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जनता का ही नुकसान होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस बात को दिमाग से निकाल कर किसी बंद तहखाने में रख दीजिए और चाबी निकालिए और गंगा जी में फेंकाइए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता मुझे भी है हकीकत के बारे में और पता आपको भी है, और जनता का नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी नेताओं का भी नुकसान हो जाता है। अब किस नेता का नुकसान हुआ है उस पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले एक और बात बताता हूं। आजकल ट्रेंड का बड़ा खेल है। जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, और ऐसा ही एक ट्रेंड है अब आंसू बहाने का ट्रेंड। और इस ट्रेंड के जो जनककर्ता है उनका नाम है श्रीमान राकेश टिकैत साहब। राकेश टिकैत साहब 28 जनवरी को दिल्ली के एक दरवाजे पर इतना रोए कि एक जनाधार उनका खुद का बन गया, और उसी आंसू वाले ट्रेंड को आजकल नेता आजमाते दिख रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था चंद्रशेखर साहब द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाकर फेमस हुए। चंद्रशेखर साहब दलितों की बात लेकर कल तक मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, ठाके लगा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं भैया, आपको नहीं लेंगे अपने घर में, हमारा जो गठबंधन है उसमें आप नहीं हैं। तुरंत रोने लगे। कई नेता ऐसे हैं जो टिकट मांग रहे हैं, टिकट नहीं मिल रहा तो रोने लगे। और जब रोते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये भावुकता के पलों में कहते हैं कि मैंने 40 लाख 50 लाख 60 लाख खर्च कर दिए चुनाव की तैयारी में और इस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया।
अब जरा थोड़ा सा एक बात को सोचिए कि जो नेता 40 लाख 50 लाख 60 लाख लगा रहा है वो क्या जनसेवा कर रहा है या वो खुद की सेवा खुद का मेवा खाने के चक्कर में है और टिकट नहीं मिला मतलब मेवा कैंसिल और मेवा कैंसिल तो जनसेवा कहां गई इसको आप सोचिए। और अब मैं बताता हूं एक ऐसे ही नेता के बारे में जो दरअसल क्या कर रहे थे अपने घर माने पार्टी की छत पर खड़े होकर इधर उधर झांक रहे थे कि किस दल में पता लगाओ कि किस दल में ज्यादा सम्मान मतलब ज्यादा बड़ी पोस्ट मिल सकती है। ताका झांकी कर रहे थे लेकिन तभी पार्टी के अंदर के किसी ने देख लिया कि नेताजी तो छत पर खड़े होकर इधर उधर वाले घर में झांक रहे हैं और उससे शिकायत कर दी आला कमान से। आला कमान ने कहा जय श्री राम भैया हाथ जोड़ो आप ऐसा करो छत से ही सीढ़ी लगाकर उस वाले घर में चले जाओ। अब नेताजी से कहा सीढ़ी लगाकर उस वाले घर में जाओ। अब नेताजी ने सीढ़ी लगाई नेताजी जैसी सीढ़ी लगा के उस वाले घर में चलने लगे तो उधर वाले घर में एक और आला कमान था उसने सीढ़ी गिरा दी। अब सीढ़ी गिरा दी अब नेताजी रह गए बीच में ना इस घर के ना उस घर के। और जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बात कर रहा हूं हरक सिंह रावत की। उत्तराखंड की जब सियासी पिच पर आप उतरेंगे और उत्तराखंड की सियासी पिच पर एक कंकड़ से भी पूछ लेंगे कि हरक सिंह रावत कौन है तो वो सीना ठोक कर कहेगा कि हरक सिंह रावत तो भैया बहुत बड़के नेता है। लेकिन हरक सिंह रावत बड़के नेता जरूर हो सकते हैं लेकिन उनके आंसू बता रहे हैं कि वो आज कितने छोटे पड़ गए हैं। उनके आंसू बता रहे हैं कि वो कितने परेशान हैं। उनके आंसू बता रहे हैं और वो जो ये पानी पी रहे हैं वो बताता है कि ताका झांकी कितनी भारी पड़ गई उनको। ताकते ताकते वो आज फंस गए। तो हरक सिंह रावत एक स्पेसिफिक तौर पर हरक सिंह रावत पर चर्चा नहीं करेंगे हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि उसूलों की बात करने वाले जनसेवा की बात करने वाले जनहित की बात करने वाले नेता जब पार्टियों से अलग हो जाते हैं तब वो रोते हैं तो उन आंसू के एक एक कतरे को स्टोर करके उसका डीएनए चेक कराकर देखना चाहिए कि क्या वो जनहित का आंसू था या फिर खुद के हित का आंसू था। चलिए चर्चा की शुरुआत खोल दीजिए स्क्रीन ओपन करिए और दो नेता हमारे साथ हैं बीजेपी से संजीव वर्मा साहब हमारे साथ हैं और संगीता शर्मा जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से आप भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो संजीव वर्मा साहब हरक सिंह रावत जी को क्यों रुला दिया आपने सीधा स्पष्ट सवाल है स्पष्ट जवाब दीजिएगा हरक सिंह रावत को क्यों रुला दिया आपने। सर ग्लिसरीन के आंसू है ये। हाँ नहीं और नहीं 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 मैं आपको यहां रोकूंगा ग्लिसरीन के आंसू नहीं है वो सच्चे और असली आंसू है। अब आप ये बताइए क्योंकि पानी पी पी कर रो रहे हैं वो पानी पी रहे हैं और रो रहे हैं पानी पी रहे हैं रो रहे हैं आपने क्यों रुलाया उनको ये बताइए। हाँ सर देखिए हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी में है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यथोचित सम्मान दिया उनको कैबिनेट मंत्री बनाया उनको प्रदेश में और केंद्र में जब जब भी कोई बड़े कार्यक्रम हुए उनको पूरा एक सम्मान दिया गया और उन्होंने लगातार पार्टी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स की अपनी जो रणनीति उनकी शुरू से रही है उसको भी भारतीय जनता पार्टी में आजमाने का काम वो लगातार करते रहे लेकिन पार्टी ने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया कि अपने इन हरकतों से आप लोग आप आ जाएं तो बेटर रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है और अभी विगत कुछ समय पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक जिस बैठक में एक बैठक को वो छोड़कर चले गए और दूसरी बैठक में उनकी इंतजार हुई और इंतजार करते हुए वो उस बैठक में नहीं है। एक तरह से ये पूरी तरह से अनुशासनहीनता का मामला था और दूसरा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी एक रणनीति बनाई है एक व्यक्ति एक परिवार एक पद हम ना परिवारवाद पे विश्वास करते हैं और ना परिवार ये रणनीति कहा उत्तराखंड पर उत्तराखंड के लिए है या फिर हर जगह के लिए है। सर हर जगह के लिए। अच्छा नहीं ये तो फिर गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है राजनाथ सिंह जी के बेटे भी तो विधायक हैं काफी ऐसे नेता हैं वे छोड़िए आप इस पर नहीं जाएंगे हम। आप मुझे स्पष्ट बताइए कि अब हरक सिंह रावत जी को सर पहले मेरी बात सुनिए
जिस तरह से हरक सिंह रावत लगातार अपने परिवार के लिए चार टिकटों की एक अनुचित डिमांड कर रहे थे पार्टी से, और पार्टी ने उनको बोला कि आप जिस सीट से हैं उस सीट से हम आपको टिकट देते हैं, उस सीट से आप लड़िए, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से चार चार टिकट वो जिस तरह से मांग रहे थे, और बाकी कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से वो एक तरह से सबको टेंट पहुंचाने का वो लोग काम कर रहे थे, उनकी अनुशासनहीनता को उसका पूरी तरह से संज्ञान लेते हुए पार्टी ने उनको कैबिनेट से बर्खास्त किया, सरकार से बर्खास्त किया, उनके उनको 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और साथ ही उसके बाद वो लगातार पिछले काफी समय से वो एक ब्लैकमेल की राजनीति करना चाह रहे थे और कर रहे थे कि मैं कांग्रेस में जा सकता हूँ, कांग्रेस में जा रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने भी उनके लिए दरवाजे अपने पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, और मैं सोचता हूँ इस तरह के जो नेता हैं उन लोगों के साथ शायद इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, और जिस तरह से कांग्रेस को नहीं, ये तो ये मिसाल जो पेश की है, ये मिसाल जो पेश की है तो कांग्रेस ने पेश की है कि कोई दल बदल के उधर जाने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेस ने कहा कि नहीं भैया हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, वरना आप तो लेते रहे, यशपाल आर्य को भी आपने लिया था, हरक सिंह को भी आपने लिया था, ये सब कांग्रेस से ही तो आए थे, आपने तो लिया था ना सर? हमने यशपाल आर्य जी को लिया था, और यशपाल आर्य जी को हमने पूरा भरपूर सम्मान दिया, उनको भी और उनके बेटे को भी उस समय। आप तो कह रहे थे कि बेटों को नहीं देते हैं, नेताओं के बेटों को नहीं देते हैं, एक पार्टी एक पद। सर वर्तमान की जो हमारी रणनीति है उसमें एक व्यक्ति एक पद नहीं, पहले नहीं थी, पहले ये रणनीति नहीं थी। नहीं सर, देखिए कई बार क्या होता है, जो लोग सक्रिय राजनीति में लगातार मतलब किसी मामलों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है, ठीक है, कुछ कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। देखिए यशपाल आर्य जी जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे हमने उनको पूरा सम्मान दिया, और वो एक एक बड़े लालच को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस में गए, क्योंकि हरीश रावत जी ने उन्हें एक दलित मुख्यमंत्री का एक शिगुफा उनके सामने छोड़ा, और वो उसमें ट्रैप हो गए। ठीक है, आपने कहा लालच के तौर पर गए, लालच के तौर पर गए, दुर्गति है क्या, क्या उनकी बुरी हालत है कांग्रेस के अंदर, और क्या सम्मान उनको दिया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने कहा लालच, 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 लालच की वजह से गए जी, जिस तरह से आपकी पार्टी में आए थे आपने क्या लालच दिया था, आपकी पार्टी में जब वो आए थे आपने क्या लालच दिया था? सर हमने कोई लालच नहीं दिया था, हमने सम्मान दिया उनको। ठीक है, हमने सम्मान दिया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई, आपका आपका सम्मान सम्मान, उनका सम्मान लालच। सर एक बात सुनिए, आप ये देखिए, आप बहुत देर लगा रहे हैं सोचने में, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। पूरे 4-4.5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रह के अपना जो एक मंत्री पद भी संभाला, कैबिनेट मंत्री थे, तमाम सुविधाएं को वो लोग गेन करते रहे, और अंत में जाते जाते उन्होंने कहा कि ये तो दलित विरोधी पार्टी है, ये तो दलित विरोधी है। अब आप, मैं आपको समझाता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ, साढ़े चार साल तो उनको दलित विरोधी नहीं दिखे। ठीक है, आपने उनके लिए, आपने देखिए जनता पार्टी तारीफ करते रहे, और जब जाने के बाद वो इस तरह का राग लगाने लगे, तो मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट है सर, और जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 8 विधायक और जिनमें 3 मंत्री भी है, आप उन लोगों की स्क्रिप्ट देखेंगे जो उन्होंने त्याग पत्र दिया है, उन सबकी स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा था, दलितों का सम्मान। अरे ये तो देखिए, ये तो देखिए, ये क्या है, ये सिर्फ शगुफा है। आप लोग पूरा
पांच साल पूरा सत्ता का पूरा सदुपयोग करते हैं और उसके बाद जाते जाते ठीक है। आपकी बात को ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी बिल्कुल आपके पास आऊंगा। सेकंड राउंड तो होने दीजिए, पहले राउंड में क्या ताल ठोक देंगे यहाँ पर, रुक जाइए। सेकंड राउंड पे आते हैं ना आपके पास, सेकंड राउंड में आते हैं। आपने जो बात की उसको मैं थोड़ा सा मोर ओवर कर देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। आपने कहा कि सबकी स्क्रिप्ट एक होती है जो इधर से दल बदल के उधर जाते हैं, तो अगर मेरे दर्शक हमें देख रहे हैं मैं उनसे ये बात क्लियर कर दूँ कि जो नेता इधर से उधर जाते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दलितों का सम्मान नहीं, शोषितों का नहीं, वंचितों का नहीं, इनका नहीं, उनका नहीं। आप इस बात को यकीन करिए, मैं कभी उस बंद कमरे में नहीं रहा लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि कभी भी बंद कमरों में बैठकर, अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखें तो बताइएगा संजीव जी और संगीता जी, बंद कमरों में बैठकर आज तक ये बात नहीं हुई होगी कि यशपाल आर्य ने आपसे कहा हो, या अब मैं बताऊं बात करूं कि अब यशपाल आर्य जब कांग्रेस में वापसी की होगी तो यशपाल आर्य ने कांग्रेस के आलाकमान से बैठकर ये बात की होगी साहब वहां शोषितों का, वंचितों का, इनका उनका हित नहीं सध रहा, इसलिए मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। ये नहीं कहा होगा, आलाकमान ने पूछा होगा कि भैया कितने वोट दिलवा सकते हो, कितना दिलवा सकते हो, गणित बताओ, आंकड़ा बताओ, ये बात हुई होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई होगी। संगीता जी, दल बदल खूब चल रहा है संगीता जी उत्तराखंड में, लेकिन बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले आप में जाना चाहते हैं, मतलब कांग्रेस वाले बीजेपी में जाना चाहते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में जाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन राजनीतिक पंडित कहते हैं कि उस तरफ लोग ज्यादा भागते हैं जिसकी संभावना होती है कि ये जीतेगा, मौसम वैज्ञानिक होते हैं ऐसे लोग, तो आपके पास नहीं कोई आता दिख रहा है, तो इससे क्या समझा जाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी अपना जो प्रत्याशी और प्रभारी थी उनकी लिस्ट जारी कर चुकी है, और ये बदल जैसे भी कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड में एक जी टीम की तरह ही काम किया है। स्वयं 2016 की बात करें कि नौ विधायक छोड़ करके कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, जनता ने उन्हें कांग्रेस पार्टी समझकर वोट दिया और कांग्रेस होने के नाते वोट दिया, और उन्होंने पार्टी बदल ली और वो भाजपा में चले गए, उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में ज्यादा समर्थन दिया। और आज जब 2023 में चुनाव होने वाले हैं तो अभी भी यही दल बदल चल रहा है कि जिस नेता की अपनी आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है वो पार्टी को बदल ले रहा है। आज हरक सिंह रावत जी को जब लगा कि भाजपा में रह करके मेरा जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको, बड़ी कनेक्शन की समस्या है संगीता जी, संगीता जी आपको 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 थोड़ी थोड़ी देर के लिए ठहराता हूँ यहीं पर, कनेक्शन की समस्या है। अरविंद केजरीवाल बाल साहब दिल्ली में इतने वाईफाई वगैरह लगा रहे हैं तो कुछ वाईफाई उत्तराखंड में भी लगा देते चुनाव से पहले तो आपका कनेक्शन में ठीक आ जाता। चलिए संजीव वर्मा साहब, मैं आपसे फिर वही सवाल कर रहा हूँ, जब जब मैं आपको मुस्कुराता देखूंगा मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि हरक सिंह रावत को क्यों रुलाया आपने? हरक सिंह रावत एक बड़े कद के नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं, अब वो कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में जाने की उनकी जो संभावना है, पहले तो बिल्कुल साफ था कि कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन अब मामला थोड़ा डुगडुग होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे में अगर हरक सिंह रावत जी वापस आने की कोशिश करते हैं, अगर आपसे मान मनोबल कुछ करते हैं तो क्या उनकी वापसी का कुछ है, कुछ बचा है, कुछ संभावना है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल जीरो। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपको बोला कि हमारी पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है, अनुशासनहीनता के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं, और मैंने आपको साथ में ये भी बोला हमने हरक सिंह रावत जी को लगभग कई बार इस तरह के कुछ वाक्य हुए और पार्टी ने उनको लगातार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो पार्टी से ऊपर स्वयं को समझने लगे, तो जब व्यक्ति किसी संगठन से ऊपर अपने आप को समझने लगे और वो अहंकार वर्ष इस तरह के कदम उठाने लगे, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे समय पे जिस तरह का पार्टी ने कल कदम उठाया वे कदम ही ऐसे व्यक्तियों के लिए बिल्कुल उचित कदम था। ठीक है संजीव वर्मा साहब, देखिए अभी आप गाड़ी में सवार हैं, आप गाड़ी में हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पीछे लगेज भी होगा आपका, तो जो बड़े कद के नेता होते हैं जब इधर से उधर जाते हैं तो अपने साथ अपना लगेज भी ले जाते हैं, जैसा हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं काफी नेता विधायक वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हरक सिंह रावत हैं बड़े नेता, तो अगर वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते हैं आपको नुकसान होगा? तब देखिए
जब वो लोग इधर आए, मैं सोचता हूं रीति नीति उन्होंने पार्टी की अपनाई नहीं अपनाई वो तो उनका ईश्वर जानता होगा। और जिस तरह से यूपी में सब कुछ ये घटनाक्रम चला, अभी 8 लोग गए, मैं सोचता हूँ यूपी में उन सब लोगों के लगभग टिकट कटने की एक क्रम चल रहा था, जिस तरह से छंद की बातें आ रही है, उन लोगों ने अपने टिकट कटने के आभास को ध्यान में रखते हुए कि कल को टिकट कट गया तो समाजवादी पार्टी वाले भी फिर हम उन लोगों से भी ठीक से बार्गेन नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हम पहले से ही बोल दें कि भैया हम तो फलाने फलाने कारण के तहत पार्टी छोड़ रहे हैं और आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। तो टिकट क्यों काट रहे हो? टिकट क्यों काट रहे हो? टिकट क्यों काट रहे हो सर? जो नॉन परफॉर्मिंग व्यक्ति होंगे, ठीक है, अब संजीव जी सुनिए, संजीव जी अब सुनिए, आपने कहा जो नॉन परफॉर्म, जो नॉन परफॉर्मिंग होंगे, जो जनता की कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो ऐसे लोगों का क्या किया जाएगा? टिकट कटेगा, बिल्कुल टिकट कटेगा, बिल्कुल टिकट कटेगा। बहुत ईमानदारी के साथ आप बहुत इंप्रेस कर रहे हैं मुझे। संजीव जी ये बताइए कि सपा से भी काफी लोग आपके आ रहे हैं, उनको भी डर है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, वो भी आपके आ रहे हैं, मतलब वो भी नॉन परफॉर्मिंग है। अब नॉन परफॉर्मिंग लोग जो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, आप उन्हें क्यों ले रहे हैं फिर? सर देखिए, ये इस चीज में बोलने का अधिकार मुझको कदापि नहीं है। उनकी तरफ आरोप लगाने का अधिकार आपको है, लेकिन जब आप फंस रहे हैं तो बोलने का अधिकार नहीं है। सर देखिए, टिकट किसको देना है किसको नहीं देना है, ये पूरा, अरे अभी तो आप मुस्कुराकर पूरा डिटेल में बात कर रहे थे, ये तो गलत बात है संजीव जी, गलत बात है। अभी तो आप डिटेल में बता रहे हैं, मुझे इतना बताइए नॉन परफॉर्मिंग लोगों को, नॉन परफॉर्मिंग लोगों को आप अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं फिर? जनता देख रही है, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी जा रहे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग है, तो आपके पास जो आ रहे हैं वो भी नॉन परफॉर्मिंग है। सर हम जिताऊ, हमको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, परफॉर्मर जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हम उन लोगों को ले रहे हैं। और जिस तरह से आपने ऐसे बोला, और बात यहाँ पे हरक सिंह की आ रही थी, हरक सिंह जी लगातार, हरक सिंह जी अपने परिवार के 4 लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे। हमने उनको बोला कि आपकी कोटद्वार सीट है, आप कोटद्वार सीट से लड़िए, बिल्कुल हमने उनको ऑफर किया, ठीक है। हरक सिंह जी परफॉर्मिंग थे, नॉन परफॉर्मिंग थे? हरक सिंह रावत जी परफॉर्मर थे कि नॉन परफॉर्मर थे? सर परफॉर्मर थे, ओके। जनता के लिए काम, मतलब एक सेकंड संजीव जी, आपने कहा कि हरक सिंह रावत जी परफॉर्मर थे, मतलब परफॉर्मर थे मतलब जनता के हितों के लिए काम करते थे, परफॉर्मर थे मतलब जनभावनाओं को समझते थे, परफॉर्मर थे मतलब जनहित के लिए काम कर रहे थे, परफॉर्मर थे मतलब वो अपनी जनता को समझते थे। आपने ऐसे नेता को पार्टी से निकाल दिया? सर एक बात सुनिए, एक व्यक्ति अगर कहे, एक सौदेबाजी करने लगे पार्टी के साथ कि मैं रहूंगा इस शर्त पे रहूंगा कि मेरे साथ साथ आपको मेरे परिवार के 4 लोगों को और टिकट देना पड़ेगा, ठीक है, तो पार्टी ऐसे अनुशासनहीनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है, चाहे वो जनाधार वाला नेता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन ऐसे अनुशासन को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। यू आर राइट, व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं है सर, बिल्कुल। जब 2016 में उनकी कांग्रेस के साथ सौदेबाजी नहीं काम कर रही थी और वो आपकी पार्टी में आए थे, तब आपने क्यों लिया उन्हें? वो भी तो कहीं अनुशासनहीनता ही करके आपकी पार्टी में आए थे, तब क्यों लिया आपने? सर देखिए, माननीय मोदी जी, अब आपकी आवाज लता मंगेशकर हो रही है, चलिए, माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों ने प्रवेश किया था, उन लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर दम घुट रहा है, अब फिर फंस गया। अपने जो मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे उनके साथ उन लोगों की पट नहीं रही थी, उन लोगों के साथ
उनका 36 के आंकड़े थे और पार्टी के अंदर उनका एक विद्रोह था। उन्होंने कहा कि हम विकास चाहते हैं और विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है, और माननीय मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और हमने उन लोगों का स्वागत किया, उनको भरपूर सम्मान दिया। ठीक है, ठीक है, आपने जो बोला, समय की कमी के कारण यहीं इसको रखेंगे, लेकिन अभी आप स्क्रीन पर रहिए। आपने बोला कि जब वो आए थे तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित थे, मतलब अब वो जब जा रहे हैं, आपने उनको निकाला है तो प्रभाव खत्म हो चुका है उनका, ठीक है, यही है सर? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा सर। मैंने केवल आपको ये बोला, एक व्यक्ति यदि अपने परिवार के लिए 4-4 टिकट मांगेगा और अनुशासनहीनता करेगा तो अनुशासनहीनता के लिए पार्टी में ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत खूबसूरती से जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुस्कुराते हुए जाइए, आए थे आप मुस्कुराते हुए जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज चर्चा ये थी दरअसल कि हरक सिंह रावत साहब जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, अब एक बार फिर बीजेपी से कांग्रेस में जा रहे हैं, ये कुछ वैसा ही है जैसा उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब नजर आ रहे हैं। कभी इधर चला, मैं उधर चला, अब जनता ये पूछे कि जाने कहां, मैं किधर चला। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।